एक सेकंड पायलट अभिनंदन के अलावा भी हमने पकड़ा था और हमारा मीडिया भी इसके ऊपर बात करता रहा, और फिर DGISPR आ आते हैं और वो कहते हैं देयर इज नो सेकंड पायलट. सो व्हाट इट वाज, क्यों देखा गया कि दो पायलट पकड़े, ये एम्बिग्यूटी क्या थी? अच्छा, ये इस पे चल, अच्छा कि आपने सवाल कर लिया. आज मेरे ख्याल में एक और कयास आ रही जो है वो दम तोड़ जाएगी. पहले ही हो जाना चाहिए था. मेरे ख्याल में DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि दूसरा पायलट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी लोग कयास आ रहे हैं, करते रहे. और उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में थी वो वीडियो जिसमें शायद दो पैराशूट उतरते देखे गए. अच्छा, इसमें अब टेक्निकल ये है कि नॉर्मली जहाज़ों में क्या होता है कि जब पायलट इजेक्ट करता है तो सीट उसके साथ बाहर आती है रॉकेट की मदद से, फिर पायलट और सीट की सेपरेशन होती है और पायलट पैराशूट के जरिए नीचे आता है, सीट ग्रेविटी पे नॉर्मल फॉल कर जाती है. लेकिन MiG-21 में रशियंस ने फीचर ये दिया हुआ है कि सीट भी पैराशूट से के जरिए ही नीचे आती है. तो एक तरफ पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है, एक तरफ सीट पैराशूट से नीचे आ रही होती है. तो एक शायद मेरे ख्याल में जो ऐनी शाहिदीन थे वो गांव देहात में जो रहते थे, उन्होंने देखा दो पैराशूट आते हुए थे, उन्होंने भी इस तरह के शायद बयानात दिए के दो पायलट आए. और जो मोबाइल से तस्वीरें बनी हुई थी, उसकी वीडियोस बनी हुई थी, उस पर भी ऐसा लगता है कि जैसे दो पायलट थे. तो ये वहाँ से कयास आ रही हैं चली. और इंडिया ने इसी वीडियो की बुनियाद पर कहा कि जी एक वो F-16 जो हमने मारा था ये उसका पायलट है जो नीचे आ रहा है.